नमस्कार दोस्तों, इनकी वर्तमान आयु 26 साल है, 26 इयर्स है, और देखते हैं इनके पाम का एनालिसिस में क्या क्या शो होता है। यहाँ पर एक धनुषाकार शेप बन रहा है। जब इस तरह का शेप बनता है तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम स्क्वेरिश भी है और साथ में रेक्टेंगल भी है। सेल्स और मार्केटिंग में ये लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं और चौड़ाई होती है, तो व्यक्ति साथ साथ में मेहनती भी होता है, तो दोनों गुण पाए जाते हैं। फर्स्ट फैलेंज नुकीला है तो कार्य के प्रति जिद होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ बात करने में काफ़ी एक्सपर्ट होंगे। और अंगूठा बहुत ज़्यादा पैडिंग वाला नहीं है, यानी मांसल नहीं है, तो कहीं ना कहीं कभी अकड़ जाएंगे और कभी कभी कॉम्प्रोमाइज़ भी करेंगे। उंगलियां छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या ज़्यादा रहेगी और फास्ट निर्णय लेने वाले होते हैं। हाँ, ये उंगली जुपिटर की बड़ी है, ये व्यक्ति को ईगो प्रॉब्लम देती है। छोटी छोटी बातों में ईगो हट हो जाता है और ये व्यक्तिगत तौर पर बहुत ज़्यादा पेन उठाते हैं इस उंगली के कारण, और इसके कारण परिवार भी पेन उठाता है, पर व्यक्तिगत तौर पर ये पेन ज़्यादा उठाते हैं। सेकेंड चीज, जब इस तरह की कोई भी घटना घटे, अभी रिसेंट की घटना भी इनकी पता है मुझे, ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है इस तरह की चीज रही तो ईगो इश्यू रहता ही है जीवन में, इसे निग्लेक्ट करना सीखिए, नहीं तो जीवन भर इस तरह से प्रॉब्लम से जूझते रहोगे आप। छोटी उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही, तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन फाइलिंग चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। पर मनी मैनेजमेंट में कमज़ोर नहीं होंगे क्योंकि काफ़ी बड़ा मनी ट्रायंगल बन रहा है। अब चलते हैं इनके क्लोजअप की ओर। बुध पर्वत पर बहुत सारी लाइन है, 1, 2, 3, 4, 5, और बुध पर्वत भी उभार है। जब इस तरह का पर्वत हो और खासकर ये उभार सूर्य पर्वत की ओर ज़्यादा है, तो नाम के प्रति ज़्यादा जिज्ञासा होती है, व्यक्ति की वाणी अच्छी होती है, सुंदर होता है, बिजनेस सेंस पावरफुल होता है और 2-4 भाषाओं का जानकार भी होता है, प्लस स्पष्ट वक्ता भी होता है, तो ये सारा एडवांटेज इनके पास होगा। एक यहाँ पर थोड़ी सी यश साइन का भी आभास हो रहा है। अब ये कंप्लीट है कि नहीं, या भविष्य में कंप्लीट हो भी सकती है। हाँ, एक और चीज है, यहां पर कहीं ना कहीं मुझे शुभ साइन बहुत बड़ी सी शो हो रही है, पर एकदम स्पष्टता ना होने के कारण किंतु परंतु में ये चीज जा रही है। एक छोटी सी साइन यहां पर है जो ये कंप्लीट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, पर ये साइन काफ़ी बड़ी शो हो रही है, पर इनके पास उस लेवल का फोन न होने के कारण ये उभार नहीं आया, पर ये बाद में भी आप मुझे दिखा सकते हो। यहाँ पर पूरे चांसेस है, इतनी बड़ी फिश साइन अगर ये रही तो आपके जीवन काफ़ी उन्नति वाला होगा। बाकी मल्टीपल प्रॉपर्टी की साइन है, तो एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदोगे या निर्माण करोगे, और ये जो सूर्य रेखा जब इस तरह की होती है तो व्यक्ति को ज्यादा हार्डवर्क कराती है। यहां पर एक छोटी सी विद्या रेखा बनी हुई है, तो विद्या रेखा के कारण व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है। शनि पर्वत को देखें तो यहां पर उभार है, ऐसे लोगों को सुबह उठने में अच्छा नहीं लगता, आलस्य आता है, और ये पार्ट यहां पर दबा हुआ है। ये जब दबा हुआ होता है तो ऐसे लोगों को, अभी तो इनकी उम्र बहुत छोटी है, पर इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, कितने भी समृद्ध हो जाए व्यक्ति को इंटरेस्ट पे करना ही पड़ता है। और एक लाइन जुपिटर की ओर जा रही है, तो ये व्यक्ति को पॉलिटिकल लाभ, सरकारी लाभ, सेकंड ससुराल पैसे वाला या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है, और जो भी कार्य करेंगे बड़े स्थान पर पहुंचेंगे, तो ये कई लोगों को 4 लाभ देती है, किसी को 3, किसी को 2 और किसी को 1 लाभ मिलता है। और कंटिन्यू फेट लाइन है इनके जीवन में, तो कोई चिंता वाली सब्जेक्ट नहीं है। एक साइन यहाँ पर भी शो हो रही है, अगर ये इस तरह से कंप्लीट होगी
ऐसे लोग इस जगह पर बहुत ज़्यादा उन्नति पाते हैं अगर इस तरह की सिचुएशन रियल में होगी। मैंने बहुत कोशिश की कि पर्टिकुलर मोबाइल यूज़ कीजिए, पर इनसे अरेंज नहीं हो पाया और इन्होंने हथियार डाल दिए। पर ये अगर साइन रही तो काफ़ी इस पीरियड में उन्नति इनके जीवन में होगी, काफ़ी उन्नति। पर इस पीरियड में इनकी धन रेखा इतनी सशक्त नहीं है, पर फिर भी मैंने कई लोगों को उन्नति पाते देखा है। अगर ये राजनीति में चले गए तो हो सकता है इस तरह की साइनें व्यक्ति को मंत्री पद तक दिला देती है। पर जरूरी नहीं, पामिस्ट्री में संकेत होते, आप राजनीति में जाना जरूरी नहीं होता। जो भी फील्ड में होंगे वहां पर अगर ये साइन रही तो ये उन्नति कारक पीरियड होगा आपके लिए 42 से लेकर 57-58 तक का, काफी उन्नति वाला रहेगा। ये पूरी एज दे देती है जीवन को, पूरी एक नया आयाम दे देती है, पर अगर कंप्लीट होनी चाहिए, अगर कहीं से भी ओपन होगी तो नहीं। जुपिटर माउंट व्यवस्थित है, कोई प्रॉब्लम नहीं, एक कंटिन्यू चलने वाली रेखा है और बाकी की 1, 2, 3 बीच बीच में मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट होंगे। पामेश्री एस्ट्रोलॉजी में व्यक्ति का ध्यान जाता है, धार्मिकता आती है और सेवाभावी व्यक्ति बनता है। और जुपिटर माउंट बहुत बड़ा है तो ये भी एक इन लोगों में एक सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, ये किसी की सुनते नहीं, सुनाने की आदत होती है। हाँ, इनसे बड़ा जुपिटर माउंट वाला आ गया तो उसकी सुन लेंगे, पर जो भी कार्य करते बड़े स्तर का करते, खाने के शौकीन होते, कभी कभी खुद खाना बनाना सीख जाते और लोगों को टेस्टी खाना खिलाते, तो ये सारे प्लस माइनस जुपिटर माउंट से मिलते हैं। पर ऐसे लोगों में देखा गया है अगर ये कम भी समृद्ध बने तो इनका दबदबा होता है, यानी ये कहीं पहुंच गए तो चार लोग खड़े होकर उनको जगह स्थान दे देंगे। फिर हो सकता है ये निकल जाने के बाद इनके बारे में कोई गलत बोले, पर सामने किसी को गलत बोलने की हिम्मत नहीं होती जिनके जुपिटर माउंट अच्छे होते हैं, ये भी एक खासियत पाई जाती है। मंगल अच्छा है तो शारीरिक ऊर्जा व्यवस्थित रहेगी, कोई डाउट नहीं उसमें। बाहरी मंगल भी अच्छा है तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। व्यक्ति जब किसी से मिलता है तो एनर्जी के साथ मिलता है, सामने वाला कंफर्टेबल फील करता है। इनका चंद्र माउंट भी काफ़ी अच्छा है, ऐसे लोगों का किसी न किसी तरह विदेश से संबंध आता है और इनके हाथ में भी शो हो रहा है, क्योंकि इनके फेट लाइन ही पूरी सूर्य पर्वत की ओर जा रही है। जब इस तरह की फेट लाइन हो तो व्यक्ति या तो विदेश से धन प्राप्त करता है या आया जैसा कार्य, मारुति का सर्विस स्टेशन, नाम मारुति का, गाड़ी मारुति की और उस पर सर्विस देकर पैसा कमाना, या तो इस तरह का काम या किसी और को सेवा देना या विदेश से धन प्राप्ति, दो में से कोई ना एक काम होता है। और इनका चंद्र पर्वत ज़्यादा अच्छा है तो मुझे लगता है ये विदेश से धन प्राप्ति की ओर ही इशारा जा रहा है। ये कभी ना कभी ऐसे लोग सेटल भी हो सकते हैं विदेश में। इनको पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तुएं अच्छी लगती है, अच्छी सोच रखते ये लोग, अच्छे परचेसर भी होते हैं, वैल्यू फॉर मनी परचेस करते हैं, रिफाइंड सोच होती है, यानी नया नया कार्य करने का शौक होता है, तो ये सारा एडवांटेज इनके पास है। और एक अच्छी सी बुध रेखा भी इनके हाथ में चल रही है और इसके द्वारा एक कंप्लीट मनी ट्रायंगल क्रिएट हो रहा है। जब इस तरह का मनी ट्रायंगल क्रिएट होता है तो व्यक्ति स्टेप बाय स्टेप अपने जीवन को काफ़ी समृद्ध बना के इतना जमा कर लेता है कि बुढ़ापा बहुत अच्छी तरह से जाता है व्यक्ति का। अब इनके शुक्र पर्वत पर चले तो शुक्र पर्वत में कोई कमी नहीं है, जैसा चाहिए वैसा शुक्र पर्वत है। हाँ, ये फोर्क अगर बनता होगा तो जीवन में यात्राएं ज़्यादा होगी, पर ऐसी कोई स्पष्टता है नहीं यहाँ पर। शुक्र पर्वत अच्छा है तो व्यक्ति कपड़े अच्छे पहनता है, अच्छी तरह रहता है, खुद का प्रेजेंटेशन अच्छा होता है, पैसा कमाने का शौक होता है और खर्चने का भी शौक होता है। हृदय रेखा को देखे तो 2-3 टुकड़ों में चल रही है
और दोनों ओर झुकाव ले रहे इस तरह से, तो ऐसे लोगों को गुस्सा भी भरपूर रहता है दिमाग में, और गुस्से के कारण कभी कभी चीज़ें डिस्टर्ब भी होती है। लोगों के सामने व्यक्त करें तो सामाजिक व्यवस्था डिस्टर्ब होती है, और मन में रखे तो चर्म रोग होने के चांसेस है। पर जुपिटर से टच हो रही है तो कहीं ना कहीं भरोसे लायक इंसान बनाती है इनको, और हृदय रेखा से दो चार लाइनें नीचे तरफ जा रही है, सगे संबंधियों को मित्रों को ये हेल्प करेंगे और पैसा वापस नहीं आएगा। और यहाँ पर एक दो लाइनें नीचे है तो माँ बाप की सेवा करने वाले होते, और एक दो लाइनें ऊपर है तो ये दुखी भी हो तो थोड़ी देर दुखी होता है व्यक्ति, उसके बाद खुशी ढूंढता है। दोनों लाइनों में गैप है, जब ये गैप होता है तो व्यक्ति जिद्दी होता है, किसी के कंट्रोल में काम करना पसंद नहीं आता, पर अपनी जिम्मेदारियों से कभी ये लोग भागते भी नहीं, ये भी इनमें खासियत होती है। और इनकी माइंड लाइन यहाँ पर दो से तीन बार ब्रेक हो रही है, मैंने एक फोटोग्राफ में देखा है। मैं जब धन रेखा पर आऊँगा तो इनका एक और फोटोग्राफ है मेरे पास, अगर ये जहाँ पर भी ब्रेक होती है उस पीरियड में व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, जैसे अभी वर्तमान समय में ये ब्रेक हो रही है, तो इस पीरियड में कोई ना कोई ऐसी घटना घटती है जिसके कारण टेंस आता है, और एक दो जगह पर और ये यहाँ पर भी ब्रेक हो रही है, और ये पीरियड होगा लगभग 32 के आसपास का। इस पीरियड में भी कोई ना कोई ऐसी घटना घटेगी और उसके बाद ये सीरियस होना शुरू करेंगे अपने जीवन में, और ये माइंड लाइन सीधी चलकर बुध पर्वत की ओर देख रही है, तो कहीं ना कहीं पैसा कमाने का हुनर भी इनमें होगा, आएगा आगे चलकर। और बाकी ऐसा कोई माइनस पॉइंट नहीं है। अब इनकी जीवन रेखा पर देखें तो इनकी 26 साल उम्र है, इसके लिए मैं पास से ही गिन रहा हूँ। ये 21 के आसपास ये लाइन अगर जॉइंट होती होगी तो यहाँ पर इलू इलू हुआ होगा, और ये काट कर आगे जाती होगी तो कोई ना कोई रुकावट इनके जीवन में आई होगी। एक 22 साल के आसपास ऑफसूट है, 22 के आसपास, और एक और रेखा इस तरह से काट रही है, ये राहु रेखा है। अगर ये जीवन रेखा माइंड लाइन पर स्टॉप होती होगी तो ये यहाँ पर भी इलू इलू के चांसेस है, और कट करके आगे निकलती होगी तो कोई ना कोई रुकावट इनके जीवन में आई होगी। 24 के आसपास एक ऑफशूट दिखाई दे रहा है, और वर्तमान पीरियड में भी 25 के आसपास कोई ना कोई अगर ये लाइन ज्वाइंट होगी तो इलू इलू के चांसेस काफ़ी उज्ज्वल रहते हैं। और एक राहु रेखा ने काटा वर्तमान पीरियड में तो कोई ना कोई टेंस चल रहा होगा जीवन में। उसके बाद 28-29 के आसपास एक राहु रेखा काट रही है, ये भी प्रॉब्लम देगी इनको। एक 30-31 के आसपास छोटी सी राहु रेखा काट रही है, और एक 33-34 के आसपास भी या तो शादी के या इलू इलू के चांसेस बन रहे इनके जीवन में। उसके बाद 36 में एक छोटी सी राहु रेखा काट रही है, उसके बाद 40 में काट रही है, उसके बाद 42 में काट रही है, और एक 48 में काट रही है, और बीच बीच में ऑफशूट भी है तो ऑफशूट के भी बेनिफिट इनको मिलते रहेंगे, पर क्लियर ऑफशूट नहीं शो होने के कारण मैं उसकी एजिंग नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये इस तरह की राहु रेखा है जो इनको उस पीरियड में डिस्टर्ब करेगी, और जीवन रेखा उत्तम तरीके से आगे बढ़ रही है। अब यहाँ पर एक शाखा ये जब इस तरह से निकलती है तो मैंने कई लोगों के जीवन में देखा पिता की ओर से कोई ना कोई आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, और ये पीरियड होगा इनके जीवन का लगभग 22 या 24 के आसपास का। इस पीरियड में कोई ना कोई रुकावट पिता की ओर से आई होगी, इनको आर्थिक कष्ट सहना पड़ा होगा, और उसी पीरियड में एक कट भी लगा। उसके बाद 26 के आसपास एक रेखा ने काटा, ये कोई ना कोई आर्थिक नुकसान इनको देने वाली है वर्तमान पीरियड में। एक कट उम्र एक लाइन पर 30 के आसपास है, और एक लाइन में 32 के आसपास है, तो कोई ना कोई आर्थिक नुकसान एक ही लाइन दो बार देगी। अब इनका दूसरा जो फोटोग्राफ है उस पर चलते हैं। अब ये जो फोटोग्राफ निकाल रहे वो हिसाब से यहाँ पर थोड़ी सी ये रेखा घिसी पीटी लग रही है,
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक्सपेंस का लेवल इनके पास ज़्यादा रहेगा, और ये पीरियड होगा 36 से लेकर अप टू 48 तक, और उसके बीच में एक कट यहाँ पर भी है, एक कट 34 के आसपास भी है, एक 36 के आसपास है, एक 41-42 के आसपास है, और ये सीधी चलकर सूर्य पर्वत की ओर देख रही है। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो मैंने बताया, या तो आया जैसा कार्य या विदेश से धन प्राप्ति की ओर, और यहाँ से भी ये रेखा चल रही है, और यहाँ पर भी ये रेखा कहीं ना कहीं फेडेड लग रही है। तो एक्सपेंस लेवल तो रहेगा, पर फिर भी शुभ साइन इनके हाथ में दिख रही है, तो ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पर ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा खासा जमा कर लेंगे अपने जीवन में, और ये जो ब्रेक है ये कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस व्यक्ति के जीवन में लाते हैं। ये 3 बार इस तरह की घटनाएं घटेगी और उसके बाद ही ये नॉर्मल सीरियस बनेंगे अपने जीवन में। एक घटना तो ये वर्तमान समय में ही शो हो रही है लगभग, उसके बाद उसके 2 साल के बाद भी एक घटना दिख रही है, और उसके बाद भी 3 साल के बाद एक और घटना शो हो रही है, और उसके बाद ये सीरियस बनकर जीवन जिएंगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।